मुर्दा शरीर जलते हैं तांत्रिक प्रक्रियाओं में। जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर मृत घोषित करता है, वो पूरी तरह से मरा नहीं होता। 5 से 7 मिनट तक वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो जिंदा हो और फिर मर जाता है, ऊर्जा खर्च कर देता है। तो इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्में हैं। 14 दिनों तक अलग अलग तरह की रस्में हैं। जब शरीर छोड़ दिया जाता है, जब पैर गिर जाते हैं, तब आप चल नहीं सकते। मरे हुए लोग चल नहीं सकते, है ना? ये सच नहीं है। We can make them walk. हम उन्हें चला सकते हैं। भारत के तांत्रिक विज्ञान का पूरा संबंध इसी से है, मरे हुए इंसान को चलाना। मुर्दे चलते हैं तांत्रिक प्रक्रियाओं में। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन एक बार इतिहास में इसे रिकॉर्ड किया गया है। एक योगी थे, उनके जैसे कई हुए हैं और आज भी हैं। एक योगी थे जो ऐसे थे, उनकी उस चीज पर महारत थी जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। इसका मतलब है स्पर्श। संपर्क, छूना, संपर्क या छूना। तो यह सूरज के स्पर्श की तरह है। योग का एक प्रकार है जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। तो उन्होंने उस पर महारत पाई है। वे एक बोंग थे। बोंग मतलब एक बंगाली। तो वे वाराणसी में रहते थे और वे नियमित रूप से अपने गुरु के पास जाकर इसके अलग अलग चरण सीखते थे और इस पर चरण दर चरण महारत पा रहे थे। तो कई बार उन्होंने इसे सबके सामने प्रदर्शित किया कि अगर आप एक पक्षी लाएं, एक मरा हुआ पक्षी जिसे सभी ने जांचा हो कि वो वाकई मरा हुआ है, मरने का नाटक नहीं कर रहा है, एक वाकई मरा हुआ पक्षी, अगर वो पिछले 3 घंटों में मरा हो, वो सख्त हो गया। 3 घंटों में पक्षी सख्त हो जाते हैं। शरीर का कड़ापन पक्षियों में काफी जल्दी होता है मनुष्यों की तुलना में, क्योंकि एक पक्षी के शरीर का तापमान, पक्षियों के शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो जिस तरह से ये ठंडा होता है और जैसे कड़ापन आता है, वो पक्षी के शरीर में कहीं जल्दी होता है मनुष्य की तुलना में। तो पक्षी के मरने के 3 घंटों के बाद अगर आप उसके पास पक्षी लाते थे एक साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो भी सीधी धूप से नहीं, शीशे से आ रही धूप से। अगर आप बाहर खड़े हों और शीशे से धूप अंदर भेजें, उस प्रकाश का मैग्नीफाइंग कांच द्वारा इस्तेमाल करके वे पक्षी को जिंदा कर देते थे। वो बोलता था, उठ बैठता था, चलता था और उड़ता था। वो कुछ देर आसपास उड़ता था और फिर से गिरकर मर जाता था। तो लोगों ने पूछा, आप इसको जीवित क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा, मैं इतना ही जानता हूं, मेरे गुरु ऐसा कर सकते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं। लेकिन वे अब तक लगभग 70 साल के हो चुके थे। तो उनका दुर्भाग्य था, ऐसा हुआ कि एक 7 साल का लड़का एक वहीं के इस्लामी कब्जा हो चुका था, एक मुस्लिम राजा का बेटा जो 7 साल का था, किसी अनजान बीमारी से मर गया। तो उन्होंने उस आदमी के बारे में सुना था जो पक्षियों को जिंदा कर देता था। वे उसके पास आए और बोले, Come and try, and our king's son. आओ और हमारे राजा के बेटे पर आजमाओ।
एक चीज थी कि वे अपने देवता की मौजूदगी के बाहर कभी ये कोशिश नहीं करते थे। उनके पास एक छोटे देवता और एक मंदिर था। मंदिर के बाहर वे ऐसी चीजें कभी नहीं करते थे, वे उसे सिर्फ मंदिर में ही करते थे। वे बोले, मैं अपने देवता की नजरों से दूर कभी ऐसी चीज नहीं करूंगा। उन लोगों के लिए देवता की कोई कीमत नहीं थी, उनके हिसाब से यह मूर्ति पूजा है। वो एक ऊर्जा रूप है जो उन्होंने बनाया था और उसके साथ वे काम करते थे। वे बोले, अरे ये देवता, हम इसे ले जाएंगे, हम इसे महल ले जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इन्हें आप हिला नहीं सकते। फिर बोले, हिला सकते हैं, और देवता को उठा लिया। फिर रोने लगे, ऐसा मत करो। जब उन्होंने देवता को उठाया और जब उन्हें खींचने लगे, तब योगी बोले, मैं नहीं आऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। वे तब गुस्सा हो गए जब वे लोग देवता को उठाकर खिलौने की तरह बाहर ले जाने लगे। वे बोले, मैं आपके राजा के बेटे को जिंदा नहीं कर सकता। अगर मुझे आता भी होता, मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे आता होता तब भी मैं नहीं करता। तब वे उन्हें बालों से खींचते हुए राजा के पास ले गए और वे बोले, मैं ये नहीं करूंगा। तो उन्होंने उनके वहीं टुकड़े कर दिए। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तब उन्होंने देवता को गिरा दिया और वो टूट गया। और उनके कुछ शिष्य थे जिन्हें वे सिखा रहे थे, वे सब उन्हीं के साथ खत्म हो गया। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया है बहुत जिम्मेदार लोगों के द्वारा कि वाकई कई बार उन्होंने ऐसा किया कि वे एक मरे हुए पक्षी को जो 3 घंटों से ज्यादा पहले मर चुका है उसे वाकई खड़ा कर देते हैं और वो उड़ने लगता है काफी लंबे समय तक, यानी 1 घंटे से ज्यादा तक। और वे बार बार कहते थे कि मेरे गुरु इस पक्षी को जिंदा कर सकते हैं, इसे पूरी जिंदगी दे सकते हैं, वो जितना भी समय हो, और मेरे गुरु इंसान के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से योगी हुए हैं। दक्षिण भारत में एक और योगी थे। सो यूजुअली दे डोंट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्रिंज योगी, दिस बर्ड योगी, दिस इज फ्रिंज योगी, दिस इज नॉट द मेन स्ट्रीम। वे मुख्य धारा के योगी नहीं थे, ये एक मुख्य धारा के योगी थे। तो लोग उनके पास आशीर्वाद के लिए आते थे और उनके आसपास चीजें होती थी। वे कर्नाटका में रहते थे, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटका में, या दक्षिणी कुलेकाल के पास कहीं, और लोग उनके पास इकट्ठा होते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक युवा लड़का मर गया। माता पिता उसे लेकर आए और बुरी तरह रोने लगे। तो उन्होंने उनकी हालत देखी और उन्हें शायद ये पता चला कि इस लड़के का मरना शायद जरूरी नहीं था, ये किसी हद तक एक दुर्घटना है। तो उन्होंने अपनी उंगली डुबाई, उनके पास एक ऐसा दिया था। ये आमतौर पर होता है, कोई भी योगी जो ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं उनके पास एक दिया होता है, तेल का दिया। तो उन्होंने तेल में अपनी उंगली डुबाई और उसे मरे हुए लड़के के मुंह में डाला, मरे हुए लड़के के मुंह में, और वो लड़का कुछ देर बाद जिंदा हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। जब कोई मरता है या जब किसी को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया जाता है, वो पूरा मृत नहीं होता, मृत्यु धीरे धीरे होती है। अगर आप पहले से ही इसके बारे में ना जानते हो तो वो महिला कहां है उन्हें पता होगा, पादरी की बेटी। कोई मुर्दों का प्रबंध करने वालों का बेटा या बेटी है? कोई नहीं है। आप शायद पहले से ही जानते हो, आप में से कई लोग, कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद 11 दिनों तक, निश्चित रूप से और ज्यादातर 14 दिनों तक, उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं। आप जानते हैं? आप में से कितने पहले से जानते थे?
तो क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे होती है, चरण दर चरण होती है, ये अभी पूरी नहीं हुई है। जीवन प्रक्रिया का निकलना इस पृथ्वी के टुकड़े से धीरे धीरे होता है। सभी व्यवहारिक अर्थों में जब सब कुछ रुक जाता है, फेफड़े रुक जाते हैं, दिल रुक जाता है, तो वे आपको मरा हुआ घोषित कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो इसका इस्तेमाल करके कि जीवन की प्रक्रिया अब भी चल रही है, आप उसे फिर से जागृत कर सकते हैं और सिस्टम को सक्रिय कर सकते हैं। इट इज बाय यूजिंग दिस दैट द तांत्रिक्स हैव डेड बॉडीज वॉकिंग। इसी का इस्तेमाल करके तांत्रिक मुर्दा शरीर को चलाते हैं, और ये बहुत असाधारण बात नहीं है, ये काफी साधारण है। और कभी कभी वे इस पर काम कर रहे होते हैं जब दाह संस्कार चल रहा होता है। ऐसा कई बार हुआ है, मैंने खुद नहीं देखा, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है और वे झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग, उन्होंने वाकई एक जलते हुए शरीर को उठकर चलते हुए देखा है। वे उसे आग लगाते हैं, शरीर जल रहा होता है, पर वो उठकर चलता है, क्योंकि उस पल में जब शरीर बाहर से जलने लगता है, तब जीवन की प्रक्रिया सिकुड़ जाती है। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां जीवन उस पल ज्यादा तीव्रता से घटित होता है। वे उसका इस्तेमाल करके सिस्टम को इस तरह जगा देते हैं कि वो अचानक उठकर चलने लगता है। 5 से 7 मिनट तक वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो जिंदा हो, और फिर मर जाता है, ऊर्जा खर्च कर देता है। तो ये इसी पर आधारित है कि जब कोई मरता है तो भारत में ऐसी रस्में हैं, 14 दिनों तक अलग अलग तरह की रस्में हैं, और दुर्भाग्य से काफी हद तक इन रस्मों के पीछे का ज्ञान, इनके पीछे की शक्ति खो गई है, और लोग बस चीजें कर रहे हैं। जीवन चलाने के लिए वो ये करते हैं, या बस ऐसा किया जाता है इसलिए वे करते हैं। बहुत कम लोग वाकई समझते हैं कि इसका महत्व तो क्या है, क्योंकि जीवन ऊर्जाएं धीरे धीरे जाती हैं। वे इसमें इतना गहरी चली गई हैं, शरीर की हर कोशिका में, वे बस पुफ से नहीं चली जाती। व्यावहारिक रूप से शायद व्यक्ति मर जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं मरता, वो धीरे धीरे मरता है। तो हम इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई धीरे धीरे मरे। धीरे धीरे मरना यातना हो सकता है ना? धीरे धीरे मरना भयंकर कष्ट है ना? तो ये यातना हो सकता है, तो हम चाहते हैं वो जल्दी जाए। उसके मरने के बाद सबसे पहली चीज है पैरों के अंगूठों को बांधना। क्या आप अब भी ऐसा करते हैं या नहीं? अंगूठों को बांधना, क्योंकि अगर आप अंगूठे ना बांधें तो शरीर के निचले हिस्से से जीवन अंदर आने लगेगा। वो जीना चाहता है, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाएं मरी नहीं हैं, वे अब भी जीने की कोशिश कर रही हैं। वे ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी। जब वे ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी तो कुछ शक्तियां शरीर में घुसेंगी। आप नहीं चाहते कि आपके प्रियजन के साथ ऐसा हो, तो जैसे ही वो मरता है आप अंगूठे बांध दें। अब कोई बाहरी सहारा नहीं होगा, वो काफी जल्दी जाएगा। अगली चीज है आप उसे पानी से धो दें, क्योंकि जब आप मृत व्यक्ति को धोते हैं, जब आप जीवित होते हैं और कोई आपको नहलाना चाहता है और आपके चेहरे पर पानी डालता है, आपको लगता है आपको परेशान किया जा रहा है। जब आप बच्चे थे, आपकी मां आपको नहलाती थी, क्योंकि हम शावर का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि पानी डालते थे, तो वह हमेशा आपके सर पर ऐसे हाथ रखती थी ताकि पानी यहां ना आए और आप परेशान ना हो।
लेकिन कोई और नहलाता था तो वे बस पानी डाल देते थे और बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ या नहीं? तो अगर आप बस चेहरे पर पानी डालें तो यह मृत व्यक्ति पानी से परेशान हो जाता है। अगर कोई भी छोटी सी गतिविधि हो रही है तो वह रुक जाती है। तो गरिमा से जीना और गरिमा से मरना बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु कोई अजीब विषय नहीं है जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, यह यहीं मौजूद है, हम सभी के लिए आगे बढ़ रही है ना? धीरे धीरे परिपक्व हो रही है, एक दिन ये पूर्ण हो जाएगी, ऐसा लंबे समय के बाद होने दीजिए, लेकिन फिलहाल ये परिपक्व हो रही है ना? तो अगर आप जीवन को अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से, तो आप शरीर से इस तरह से बाहर निकल सकते हैं कि आप पूरी तरह से बाहर आ जाएं, आप सब कुछ इकट्ठा करके चले जाएं। अगर आप इस तरह से जाएं तो हम आपको दफनाएंगे, हम आपके शरीर को नहीं जलाएंगे, क्योंकि हम आपके ऊपर लकड़ी बर्बाद नहीं करना चाहते। आप पूरी तरह से चले गए हैं, कोई जल्दी नहीं है, हम आपको एक या दो दिन रखने के बाद जला सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसी संस्कृति है जहां हम जीवन और मृत्यु को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें वैसे संभालते थे जैसे उन्हें संभाला जाना चाहिए। पहले 14 दिनों में आप बहुत मदद कर सकते हैं मृत व्यक्ति की। ये संस्कृति, ये विज्ञान इस देश में एक बड़े तरीके से विकसित हुआ पर फिर भ्रष्ट हो गया। तो जो एक बहुत ही सुंदर विज्ञान था वो व्यापार बन गया और व्यापार भ्रष्टाचार बन गया। तो आज अगर आपके घर में कोई मरता है तो आप उन लोगों के पास जाते हैं जो कहते हैं वे कुछ करेंगे और कहेंगे आपके दादा दूध पीना चाहते हैं, एक गाय दीजिए, एक लीटर दूध नहीं, एक गाय, बारिश हो रही है, आपके दादा को छतरी चाहिए, छतरी दीजिए, आपके दादा कांटों पर चल रहे हैं, उन्हें चप्पल चाहिए। देखिए, आप अपने दादा के बारे में चाहे जो भी जानते हो या ना जानते हो, आप एक चीज जरूर जानते हैं कि वे अपना शरीर ही छोड़कर चले गए। जब वे अपना शरीर ही छोड़कर चले गए तो छतरी, कपड़े, चप्पल, ये ठीक नहीं है हाँ? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है। तो हम फिलहाल एक प्रक्रिया के द्वारा लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे इस तरह की सेवाएं दे सकें, लेकिन आपको कभी भी इसे अपना काम नहीं बनाना चाहिए, बस एक सेवा की तरह। अगर आप भेंट करना चाहते हैं तो हम आपको ये चीजें करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई अपना शरीर खो देता है तो पूरी तरह से लाचार हो जाता है, उसे मदद चाहिए और उसकी मदद की जा सकती है, लेकिन अशुद्ध और भ्रष्ट हाथों से नहीं। कोई इंसान जो परवाह करता हो, कोई इंसान जिसमें इसकी जरूरी समझ हो, अगर आप ऐसी चीजों से गुजरना चाहते हैं, ऐसी ट्रेनिंग से, तो ये उपलब्ध है। हम अपने खुद के दाह संस्कार स्थान भी शुरू करने वाले हैं। कोयम्बतूर में हमारा ईशा शुडुगाडू है, आपको पता है? नहीं पता? कम से कम मरना कहाँ है, अब आप ये जान गए। और अगर आप में से कुछ लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो आप ये सेवा दे सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। लोग इसकी कीमत नहीं समझते आजकल की दुनिया में, आजकल की दुनिया इसकी कीमत नहीं समझती, लेकिन ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। इसका मतलब बेलगाम कामुकता नहीं है, अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तेमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अद्भुत भेंट है जो अगस्त्य मुनि ने हमें दी है। उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया स्थापित की जो 100% शरीर में स्थित है, बाहर से कुछ भी नहीं। जब आप तंत्र की बात करते हैं, हमने तांत्रिक शब्द कई बार सुना है और इसके बारे में कई तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। क्या आप इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये क्या है? क्या ये कोई काला जादू है?
ज्यादातर सृष्टि काला जादू है। प्रकाश इस सृष्टि में एक छोटी सी घटना है ना? क्या ज्यादातर सृष्टि में अंधेरा नहीं है? प्रकाश एक बहुत ही छोटी सी घटना है, एक बहुत ही सीमित घटना। प्रकाश तभी होगा जब कुछ जलेगा। ये बत्तियां जलाने के लिए इस धरती पर अभी कुछ जल रहा है। आपको ये समझना चाहिए, जो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, रोशनी के इन बिंदुओं के लिए कोई चीज कहीं जल रही है। हम कहते हैं बल्ब जल रहा है, वो भी जल रहा है, पर इस जलाने के लिए कोई और चीज जल रही है ना? प्रकाश का यही तरीका है, चाहे फिर वो कोई बल्ब हो या सूरज, कुछ जल रहा है। जो भी जलता है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम कहते हैं, अगर आप गैर जिम्मेदारी से जलाते हैं तो हम कहते हैं आप मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं प्रकाश तभी होगा जब कुछ जलेगा। तो अगर आप कुछ जलाकर प्रकाश ला रहे हैं तो बेहतर है कि आप प्रकाश को कंट्रोल करें और उसे कम से कम रखें, वरना चीजें बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो प्रकाश एक बहुत सीमित घटना है, बाकी पूरी सृष्टि एक काला जादू है, नहीं? तो ऐसी बहुत सी गुप्त विद्याएं हैं जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जीवन के खिलाफ हो। गुप्त विद्या का जीवन के खिलाफ होना जरूरी नहीं, क्योंकि आपने किसी घटिया तांत्रिक के बारे में सुना है जो किसी का जीवन बर्बाद करने या उसे बीमार करने या मारने की कोशिश करता है, इसलिए आपको लगता है कि तंत्र एक बुरी चीज है, क्योंकि समाज में आपने बस वैसे ही लोग देखे हैं। लेकिन तंत्र सबसे ऊंची कोटि का भी है। शिव एक तांत्रिक है, हर गुरु एक तांत्रिक है, ठीक है? अभी मैंने आपको शांभवी में दीक्षा दी, ये एक तंत्र है, वरना ये काम कैसे करेगा? तंत्र का मतलब है एक तरह की काबिलियत, ये एक तकनीक है। अभी मैं अपना फोन निकाल कर किसी से बात कर सकता हूं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में है, ये एक तकनीक है। मान लीजिए बिना किसी फोन के अभी मैं यूं ही अमेरिका में किसी से बात करूं, तो ये तंत्र है। तो तकनीक तंत्र से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप अलग उपकरण इस्तेमाल करते हैं, मगर असल में ये एक ही चीज है। जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तब तंत्र का बहुत महत्व था, लेकिन आज तंत्र का महत्व घट रहा है जैसे जैसे आधुनिक तकनीक आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी आप मुंबई में आए हैं, बॉम्बे, मुंबई। मैं इसे आपके दिमाग में ठीक कर रहा हूं ताकि आप मुसीबत में ना पड़ें। मान लीजिए 1000 साल पहले आपने सुना सदगुरु कोयंबटूर में है। अब आपके दिल में इच्छा है, आप जाना चाहते हैं, लेकिन मुंबई से कोयंबटूर तक पैदल आना जाना आसान सफर नहीं है। अगर आप कदम बढ़ाएं तो आप नहीं जानते कि आप वापस मुंबई पहुंचेंगे या नहीं। आपको पता नहीं मार्ग में क्या मिलेगा, आप शायद मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। तो आप मुंबई में ही बैठकर, सदगुरु प्लीज मेरी मदद के लिए आइए, मैं नहीं आ सकता, प्लीज। अब अगर मुझे लगे कि अतुल के साथ कुछ करना चाहिए जो मुंबई में है और कोयंबटूर नहीं आ सकता, तो मेबी आई वांट टू इनिशिएट हिम इनटू शांभवी इन मुंबई। शायद मैं उसे मुंबई में ही शांभवी दीक्षा देना चाहूं, लेकिन अतुल का मन जगह जगह भटकता रहता है। वो बैठता है, कुछ अनुभव करता है, फिर सोचता है शायद मैं बेकार की कल्पना कर रहा हूं। उसकी पत्नी उसे कहती है, तुम पागल हो रहे हो, ऐसा इंसान जिसे तुमने देखा भी नहीं वो तुम्हें कुछ कर रहा है, चुप करो और काम पर जाओ। वो कुछ अनुभव करने लगता है, पर उसका तर्क, उसके विचार और परिवार, वो कहता है मूर्ख मत बनो। फिर सदगुरु ये करेंगे कि एक दक्षिण भारतीय चमेली का फूल उठाएंगे जो मुंबई में नहीं उग सकता, और अतुल ऐसे बैठा है, फूल उसके हाथों में गिरा। अब वो बैठ जाएगा शांभवी की दीक्षा लेने के लिए तैयार, क्योंकि
एक चमेली का फूल भेजा गया, लेकिन आज मैं आपको कॉल करके कहूंगा यहाँ आ जाओ, या किसी के साथ ब्रोशर भेजकर आपसे कहूंगा यहाँ आकर सीखो, या अगर मैं आपको चमेली का फूल भेजना चाहूं तो मैं DHL से भेजूंगा। तो आधुनिक तकनीक से तंत्र का प्रयोग खत्म होता जा रहा है, पर मैं चाहता हूं कि आप 1000 साल पहले की बात सोचें और समझें कि तंत्र कितना मूल्यवान था। हाँ, 1000 साल पहले कल्पना कीजिए, आप मुंबई में हैं और मैं कोयम्बटूर में, आप मुझसे कुछ चाहते हैं, तंत्र के मूल्य की कल्पना करें, है ना? तो आज इसका मूल्य कम हो गया है, तो हर तरह के ढोंगी हर तरह की बकवास कर रहे हैं, तो तंत्र का बुरा होना जरूरी नहीं है। Now, the English word occult doesn't clearly specify what is it that they're calling as occult. हाल ही में किसी ने मुझसे सामयामा में एक प्रश्न पूछा, शायद किसी गुरु ने ऐसा कहा है, तंत्र बस अपनी सनक को छोड़ने का तरीका है, बस अपनी सनक से परे जाने का तरीका है। ये बकवास है। दुर्भाग्य से आज हमें तंत्र शब्द को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। सबसे पहले यह समझते हैं, तंत्र शब्द का मतलब है तकनीक। लेकिन आप जिस तंत्र के बारे में सुन रहे हैं वो अमेरिकी तटों से लौट कर आया है। आपको लगता है तंत्र का मतलब है बेलगाम कामुकता, नहीं, तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। ये बेलगाम कामुकता नहीं है, ये परम अनुशासन है। अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तेमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप अपने शरीर और मन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए, कामुकता या ढीलापन नहीं। तंत्र वे चीज नहीं है जो किताबें लिखी गई हैं, वे मुख्य रूप से पश्चिमी लेखकों की है, हर तरह की चीजें नहीं। तांत्रिक ग्रंथों में परम अनुशासन होता है, किसी तरह का ढीलापन नहीं, क्योंकि वे शरीर की बात करते हैं। और फिलहाल आधुनिक समाजों में अगर आप शरीर कहते हैं तो उनके विचार सिर्फ शरीर के जनन अंगों के बारे में, न कि शरीर के किसी और चीज के बारे में। तो अगर आप शरीर कहें तो वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं, वे दिमाग को भूल चुके हैं। क्योंकि वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं, वे कामुकता के बारे में सोचते हैं और उससे परे कुछ नहीं। इसका संबंध शरीर को एक जबरदस्त मशीन की तरह इस्तेमाल करने से है, और ये है भी, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप यहाँ क्या करेंगे? अगर आप अपने शरीर और उसके पीछे की ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? आपका किसी भी चीज पर कोई असर नहीं होगा। तो ये तंत्र है। तंत्र का मतलब है तकनीक, तंत्र मतलब एक निश्चित क्षमता। तंत्र के बिना कोई गुरु नहीं होता। अगर उसके पास कोई तकनीक नहीं है तो वो गुरु नहीं है, वो बस एक कोमल संत हो सकता है जो सबको आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा। A blessing has no discretion. आशीर्वाद खुद निर्णय नहीं लेता। अगर आप एक चोर हैं और आप संत से मिलते हैं तो आप उसका आशीर्वाद मांगेंगे और वे देंगे, जिससे आप आज अपना काम अच्छे से करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद में समझ नहीं है, वे वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। यहां तक कि लुटेरों के भी, पिंडारी और वैसे लोगों के भी अपने देवी देवता और संत होते थे। उनके देवता हमेशा उनका मार्गदर्शन करते थे कि आज किस घर पर हमला करना है। वे बहुत सफल थे, उन्होंने अपना काम शताब्दियों तक किया, डाका डालना उनका काम था। तो अगर आप बस एक
कोमल फूल जैसे संत हैं जो बस आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है। मैं उसे महत्वहीन नहीं बता रहा, वे अपने तरीके से सुंदर हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आत्मज्ञान की इच्छा रखते हैं। वे उन लोगों के लिए नहीं हैं, वे उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में छोटे सुधार चाहते हैं। अगर आप किसी घरेलू सामग्री के भंडार में जाएं, तो आप अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं, है ना? हाँ या ना? आप वाकई कर सकते हैं। मैं रोज टीवी पर लोगों को कहते देखता हूं, अरे मैंने बस ये पलंग खरीदा, मेरा पूरा जीवन बदल गया, ये जबरदस्त है। मुझे पता नहीं था कि एक पलंग या तकिया ऐसा कर सकता है, मुझे पता नहीं था। क्या आपने ये देखा है? मेरा पूरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। तो अगर आप किसी भंडार में जाएं और किसी ऐसी चीज के साथ बाहर आएं जो आपके पास नहीं थी, तो आपका जीवन थोड़ा बहुत बदल सकता है। जीवन बदल जाता है, पर जीवन कितना बदलता है ये कई चीजों पर निर्भर करता है। क्या बदला है ये कई चीजों पर निर्भर करता है ना? मान लीजिए आपको ठंड लग रही है और आपके पास जैकेट नहीं था, पर आपको मिल गया, तो फिलहाल जीवन बदल गया है ना? है कि नहीं? तो क्या हम उस चीज की बात कर रहे हैं? अगर हां तो ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक विकास, परम प्रकृति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो किसी क्षमता के बिना एक गुरु क्या है, आप उसे गुरु नहीं कह सकते। क्षमता का मतलब है कुछ करने की काबिलियत जो लोग खुद नहीं कर सकते। तो अगर मैं चाहता हूं ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो कि अगर कोई तंत्र ना हो, तंत्र से मेरा मतलब है अगर कोई तकनीक ना हो, तंत्र संस्कृत में तकनीक को कहते हैं, उसे नहीं कहते जो आपको समझा दिया गया है। तो अगर कोई तंत्र ना हो तो वाकई कोई गुरु भी नहीं होगा। क्योंकि गुरु होने का मतलब है ये एक मैकेनिक का काम है। आपको चीजें ठीक करनी पड़ती हैं, ठीक करने के लिए आपको उन्हें समझना होगा। आपके हाथों में कोई तकनीक होनी चाहिए और यही तंत्र है। क्या ईशा में तंत्र है? बिल्कुल है, हर जगह हर तरह का। लेकिन योग का महत्व यह है कि इसमें बाहरी विधियां नहीं होती। तंत्र के दो आयाम हैं। पहले में आप बाहरी सामग्री का इस्तेमाल करके चीजें करते हैं जिसमें विधियां होती हैं। योगिक तंत्र में आप सिर्फ अपने शरीर और ऊर्जा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, आपको किसी और सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसे मोटे तौर पर दाएं हाथ और बाएं हाथ के मार्गों के रूप में बांटा गया है। बाएं हाथ के मार्ग में बाहरी सामग्री का इस्तेमाल होता है, दाएं मार्ग में बाहरी सामग्री नहीं, सिर्फ शरीर का ही इस्तेमाल होता है। काफी हद तक ये यौगिक तंत्र है, काफी हद तक इसे हम अपने अंदर करते हैं। ये अगस्त्य मुनि की अद्भुत भेंट है कि उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया स्थापित की जो 100% शरीर में स्थित है, जो बाहरी नहीं है। तंत्र के अलग अलग आयामों के लिए चावल के एक दाने या रेत के कण का भी इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ सिस्टम के अंदर ही होता है। ये उन्होंने हमें भेंट किया है, ये सबसे बड़ी चीजों में से एक है। इंसानी सिस्टम से जुड़ी ये सबसे बड़ी चीज है जो आज तक हमें किसी ने भेंट की है, ये उनकी भेंट है।